गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है, जहां गढ़वा बंसीधर नगर मुख्य मार्ग पर बोलेरो की चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गढ़वा दृष्टि यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा पलामू लातेहार की खबरों के लिए गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुमंडल ब्यूरो राहुल वर्मा की रिपोर्ट। गढ़वा जिला रमना थाना क्षेत्र से होकर गुजरी NH-75 सड़क पर झिंडरिया चौपाल के पास रविवार की देर शाम बोलेरो की चपेट में आने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों में मिराल थाना क्षेत्र के पेस्का निवासी जानकी पासवान, लक्की पासवान और ननकू पासवान के नाम शामिल हैं। सभी लोग मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान झिंडरिया बांध के समीप बोलेरो की चपेट में आ गए। घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को घटना की सूचना दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची रमना थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए रमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए गढ़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।